बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शाद व आबाद होंगे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार हेल्दी रेसिपी, बहुत झटपट बन जाते हैं और बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो देख सकते हैं आप। मैंने इसके लिए लिया है एक अंडा, और उसको मैंने एक डो बनानी है हमें लिक्विड, उससे हम पराठे बनाएंगे। एक गिलास दूध, मेल्टेड बटर एक टेबल स्पून भर के, एक कप मैदा भर के, एक चम्मच शुगर और एक चुटकी नमक। तो सबसे पहले हम एक बॉल ले लूँगी मैं, और बॉल के अंदर शामिल करूँगी अंडा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। इसके अंदर शामिल करूँगी मैं एक गिलास दूध, अंडे और दूध को मिक्स करूँगी मैं अच्छी तरह से। इसमें मैं डालूँगी एक चम्मच भर के चीनी, शक्कर, शुगर, दूध, अंडा और चीनी को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे इतना कि अंडा और जो दूध है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी आटा, ये नॉर्मल आटा है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। इसको मैंने छान लिया है दो दफ़ा ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना हो और इसमें एक एयर आ जाए। इससे हमारा बैटर स्मूदी बनेगा छानने से, तो ज़रूर छान के ही इस्तेमाल करना आप। एक चम्मच मेल्टेड बटर मक्खन डाल रही हूँ मैं, ये सॉल्टेड बटर है इसलिए नमक मैं एक चुटकी डालूँगी इसके अंदर, एक चुटकी नमक डाल रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है इतना कि ये स्मूदी से एक पेस्ट तैयार हो जाए। इतना थिक पेस्ट होगा ये कि लिक्विड की तरह होगा, इससे बहुत मुलायम पराठे बनके तैयार होंगे और चाय के साथ तो खाने में बहुत ही मज़े के लगेंगे। आप ज़रूर ट्राई करना, ये ज़रा भी ना आटा गूंदने की टेंशन और ना किसी बात की, आराम से ये फटाफट तैयार हो जाता है। 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको तैयार होने में। देखिए पैन में मैंने एक चम्मच ऑयल डाल के उसको गर्म करा है, उसके अंदर मैं 1-2 चम्मच भर के मैं बैटर डाल रही हूँ। पतला पतला बैटर हमें इसमें बिछाना है और इसको बिल्कुल नहीं हिलाना चमचे से या किसी चीज़ से जब तक ये पक के लगेगी, ये पकना स्टार्ट हो गया तो उसको टर्न करा है। देखें दोनों तरफ से कलर आ गया है खूब अच्छा सा, और इसको मैं अब निकाल लूँगी। इस सारी डो में हमारे 4 पराठे तैयार हो बन के तैयार होंगे इस साइज़ के, सीडी साइज़ से थोड़ा सा बड़ा साइज़ के 4 पराठे बनेंगे। दूसरा पराठा भी मैंने, चौथा पराठा भी मैंने इसका बना लिया है, तैयार कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम बन के तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई करना अपने घरों में ये रेसिपी, वो झटपट बन जाती है। देखें कितने नरम और मुलायम पराठे बन के तैयार हुए हैं। अल्लाह ताला सबके रिस्क में इजाफ़ा करे, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।